आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. आप लोग को और कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं. स्पेशली वी हैव फ्यू न्यू मेंबर्स. संयुक्ता मैम न्यू है और दीपान्विता एंड हमारे साथ और भी न्यू मेंबर्स हैं. जो भी न्यू मेंबर्स हैं मैं शायद मिस कर रही हूँ, आप प्लीज पूछिए. और भी ओल्ड मेंबर्स हैं जो पूछिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो. मंजू मैम है जी. ठीक है पूर्वा मैम, हम नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे. ठीक है, ओके. एनीवन एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है. बाकी कुछ किसी को कुछ शेयर करना है? हेलो मैम. जी जी हेलो मैम. हेलो मीनू मैम. मैम जो आपने कार्मिक क्लियरेंस मेडिटेशन दी हुई ना, वो बहुत लंबी है, छोटा वर्जन नहीं उसका मिल सकता? मैम कल हम वो करेंगे. ठीक है, वो 21 डेज बोला ना आपने, अभी मेरे को 4-5 डेज हुए हैं, बहुत टाइम लग जाता है वो. कल मैम हम वो करेंगे वो. ठीक है, हाँ कल भी एक सेशन. मैम मुझे एक बात पूछनी थी. वो करें. हाँ जी वेदिका मैम. मैम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, लेकिन अगर खुद पे हीलिंग करना है तो रेकी की फर्स्ट लेवल में जो सीखा था हमने तो वैसे ही करना है ना, या कुछ अलग तरीके से करना है? नहीं नहीं, अपनी हीलिंग वैसे ही करनी है आपको. अगर साइकिक सर्जरी कर रहे हैं, हाँ अगर साइकिक सर्जरी कर रहे हैं तो जैसे हमने सीखा था कि अपने हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करते हैं वैसे करके करेंगे. वरना नॉर्मल हीलिंग कर रहे हैं तो आप नॉर्मली, जैसे हमने फर्स्ट लेवल पे सीखा था अपना ऑरा क्लीन करके अपनी हीलिंग करना, वैसे ही करना है. मैम मुझे 5-6 दिन से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं 5-6 दिन से रेकी का यूज कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? हाइपर एसिडिटी में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देखकर उससे हीलिंग लो. ठीक है, उसके साथ साथ करोगे ना आप तो आपको इफेक्ट आएगा. देखिए जब भी आप हीलिंग करते हो और आपको लग रहा है कि इफेक्ट नहीं हो रहा तो आप सबसे पहले अपनी ऑरा क्लीन कर लिया करिए. ठीक है, ऑरा क्लीनिंग करने के बाद अपनी जब हम हीलिंग करते हैं तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है. हम हाइपर एसिडिटी के लिए एक और है अपना इलाज, बनाना 2 खाली पेट सुबह खाएं. जी जी जी, ठीक हो जाएगी. ओके हाइपर एसिडिटी. हाँ ठीक है वेदिका मैम, बनाना एमपी स्टमक. ओके ओके मैम. हाँ बनाना तो कोई भी खा सकता है. नहीं मतलब इस सिचुएशन में जैसे मेरी 12 साल की बच्ची है तो वो खा सकती है? हाँ, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है. अभी खा सकते हैं एनीबॉडी? क्योंकि एसिडिटी जनरली होती क्यों है, क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि हम लोग खाने में गैप बहुत कर देते हैं. अब जैसे रात में हम लोगों ने खाना खा लिया और सुबह कुछ लोग की आदत होती है कि वो 12 बजे तक 1 बजे तक कुछ खाते ही नहीं है, खाली पेट चाय पीते रहते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं और इस केस में आपकी एसिडिटी बनेगी ही बनेगी. तो कभी भी खाली पेट एक तो आप चाय मत पीजिए, अवॉइड करिए. अगर चाय आप छोड़ सकते हैं तो चाय छोड़ दीजिए. चाय कॉफी से बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है. और सुबह उठ के नाश्ता हैवी करिए, नाश्ता मतलब अच्छे से करिए और न्यूट्रिशियस नाश्ता करिए, है ना. तो एसिडिटी जनरली इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि या तो बहुत ज्यादा हम गैप कर देते हैं 2 मील्स के बीच में तो भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है. बिल्कुल सही है. और थोड़ा सा मिर्च मसाला खट्टा ये सब खाने से भी ज्यादा एसिडिटी रहती है. वो खट्टा तो जरूरी है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए. वो अभी बाहर में नहीं मिल रहा है ना पानी पूरी, उसके बाद भी घर में भी बना के खाएंगे ही खाएंगे. ओके जी. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. जी जी सुंदर सर. अच्छा मेरी 12 साल की बेटी है तो उसको 3-4 साल पहले कुछ मतलब वीडियो गेम खेलते हैं क्या, तो उसमें कुछ डॉल का था तो डॉल की गर्दन टूट जाती है, उस समय उसको काफी इश्यूज हुए थे, वो सो नहीं पाती थी, ऐसा डरती थी. ठीक है, उसके बाद वो ठीक हो गई थी, पर अभी थोड़े टाइम से फिर नोटिस कर रहे हैं कि अभी कभी कोई
कमर में अकेली बैठी रहती तो थोड़ा कुछ हरकत होती तो वो डर जाती थोड़ा, वो बोलती है अरे भूत है क्या ये सा, थोड़ा उसको रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए जिससे कि उसके मन, कभी कभी होता है हमेशा नहीं। वो अभी आपके साथ है कि दूर है? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं तो अपनी कम बाहर हूँ इंडिया में। अच्छा, आपने काम करिए, आप अपनी वाइफ को ऑरा क्लीनिंग वाला वीडियो भेजिए और अपनी वाइफ को बोलिए कि ये नमक के पानी से ऑरा क्लीन करें। हाँ, उनका रेगुलर ऑरा क्लीन करवाइए। ओके, सुबह सुबह ना, नहाने के बाद? जी मतलब सुबह नहाने के बाद? हाँ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट वाला जो बताया था वही करें? जी जी, सॉल्ट वाटर से उनका ऑरा क्लीन करवाइए ताकि जो भी उनके उनके मन में जो डर बैठा है वो निकले। अच्छा, ये किस लिए होता है? साइकोलॉजिकल है या क्या? हाँ, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है ना, बच्चे हैं, बच्चों के मन में बैठ जाता है। और थोड़ा अपनी वाइफ को बोलिए कि उसको समझाएं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, उसको भरोसा दिलाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बार बच्चों के मन में जो बैठ जाता है वो फिर बहुत मुश्किल से निकल पाता है। हाँ, पहले वो कभी कभी। सर आप म्यूट हो गए। सुंदर सर आप म्यूट हो गए। उनको पता नहीं चल रहा है। सुंदर सर म्यूट हो गए थे आप, शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा मैम, मुझे अभिजीत बोल रहा हूँ। जी अभिजीत सर। मैम मेरे को बहुत एनर्जी का बहुत कम फीलिंग लगता है, जैसे मैंने लेवल वन किया है ऑरा क्लींजिंग और हीलिंग, वो भी मैं करता हूँ, लेकिन एक दो घंटा के बाद और भी सेम जैसा पहले जैसा लगता है मेरे को। अच्छा, आपको, आप पानी चार्ज करके पी रहे हो? हाँ मैम। आप जितनी बार पानी पीते हो उतनी बार चार्ज करके पानी ही पीते हो? नहीं मैम, सुबह एक बार में पीते हूँ। अच्छा, तो आप जैसे जब भी आप बाद में पानी पियो, अब जैसे अभी इसके बाद आप जब पानी पियोगे तो आप एक बार फिर से भले ही आप 2-3 मिनट के लिए करो, बट उस पानी को एनर्जी के लिए चार्ज कर लो कि इस पानी को पीते ही मैं बिल्कुल एनर्जी से भर जाऊंगा, एनर्जी से भर जाऊंगा, एनर्जी से भर जाऊंगा। ठीक है, तो पानी चार्ज करके पीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने नाभि पर हीलिंग करिए। ठीक है, नाभि पर हीलिंग करने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। जैसे मैंने लेवल 1 किया, लेवल 2 और 3 करने से और भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी मिलेगा ना मेरे को? हाँ सर, लेवल 2 में डेफिनेटली आता है, हमारी एक तो हमारी पावर्स बढ़ जाती हैं क्योंकि और स्ट्रांग हो जाती है हमारी एनर्जी, हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं ना, इसलिए हमारे पास पावर सिंबल आ जाता है तो हमारी पावर्स और बढ़ जाती है। ओके मैम, मैम मुझे वो पूछना है कि नाभि पे जो आपने बोला तो उस पे सिंबल्स डाल के भी कर सकते हैं? जैसे बच्चों की एनर्जी लो है या वो कम खाता है, कम ये थोड़ा सा खाना वगैरह नहीं ठीक से डाइजेस्ट कर पाता है, तो उसको मणिपुर चक्र पे तो हम लोग देते ही है हीलिंग, तो नाभि पे भी देनी चाहिए? हाँ वही, मतलब मणिपुर और नाभि एक ही है। हम लोग तो मणिपुर नाभि से थोड़ा जस्ट ऊपर भी कभी कभी। हाँ, जस्ट वो एक्चुअली हाँ, थोड़ा डिबेटेबल रहता है। डिबेटेबल है हाँ, ये इसलिए मैं नाभि पे लेती। अच्छा मैम, मेरा ना एक क्विक एंड हार्ड क्वेश्चन है अभी तुरंत का। अभी मेरे पास एक हीलिंग की ऑफर आई है कि जस्ट किसी ने पैसे निकाले अपने हस्बैंड के अकाउंट से और उनकी इच्छा नहीं थी कि वो रेकी सीखे, ठीक है, तो वो अभी स्विच ऑफ करके फोन को और ये कर दिया जब उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ ने बैंक से पैसे निकाले हैं। वो कहीं जा रही थी अपना रेकी का एडमिशन लेने के लिए, उसने मुझसे पूछा, मैंने बोला कि ठीक है रेकी अच्छी चीज है, आप कर लो तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको श्योरिटी नहीं दूंगी अपने तरफ से कि मैं बोल रही हूँ तो करो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के बात बीच में अंडरस्टैंडिंग करके स्टार्ट करो। और अभी 4 घंटे से उनके हस्बैंड स्विच ऑफ करके कहीं चले गए हैं, तो क्या उनको हम लोग हीलिंग दे सकते हैं कि वो स्विच ऑन करें मोबाइल और बात करें, थोड़ा माइंड उनका पॉजिटिव हो जाए? वो एक गुस्सा होके गए हैं बिल्कुल बिल्कुल, और वो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो आप उनके हस्बैंड पे थॉट इम्प्लांटेशन करिए कि आप घर वापस आ जाइए, और मतलब जो उनकी वाइफ उनको मैसेज देना चाहे वो आप उनके थॉट इम्प्लांटेशन से करिए कि आई एम सॉरी, आप प्लीज घर वापस आ जाइए, इस तरीके से आप उनका थॉट डाल के कर सकते हैं। ओके, मतलब उनकी वाइफ का नाम भी ये करना पड़ेगा क्या उसमें?
हाँ मतलब हाँ उनकी वाइफ का नाम जो भी हो कि सपोज सीता है तो सीता इज सॉरी, आप घर वापस आ जाइए। अच्छा तो थॉट इम्प्लांटेशन मतलब होंग सजेशन से ये कनेक्ट करके उनके माइंड में डालना होगा ना। हाँ 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 ठीक है मैम। मैं वही अभी जस्ट मुझे वो फोन कर रही थी आपका वो मेडिटेशन करते करते, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे एक बार कंसल्ट कर लूं कि क्या करूं मैं इसको। ठीक है मैं करती हूं। जी जी ओके हां ओके। आज में मैम एक चीज ऐड करनी थी इस केस में कि कई बार कई लोग समझते हैं जो मतलब कईयों को नहीं पता होता कि रेकी शायद एक कोई जादू टोना है, तो उस केस में वाइफ पहले उनको अच्छी तरह समझा दे कि रेकी है क्या बेसिकली। सर नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे सर ये वाली बात हुई है ये वाली बात हुई है शायद समझ आए। नहीं नहीं यही यही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो पूजा पाठ भी नहीं मानते हैं तो उन्होंने सोचा कि ये जादू टोना सीख रही है काफी। बट ये सब चीजें ना समझाने से नहीं समझता इंसान। आप जिनका माइंडसेट ही ऐसा है ना आप उनको कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेंगे। रेकी देके भी नहीं समझा सकते। नहीं नहीं वैसे थॉट इम्प्लांट कर सकते हैं अगर हम उनके सबकॉन्शियस माइंड पे ये थॉट डाल दें कि उनका गुस्सा शांत हो जाए घर वापस आ जाओ। रेकी से रिलेटेड अभी आप कुछ मत डालो, बस इतना डालो गुस्सा शांत हो जाए घर वापस आ जाओ, गुस्सा शांत हो जाए घर वापस आ जाओ। अभी फिलहाल उनका घर आना जरूरी है ना। हम घर तो वो आ ही जाएंगे सीखने के लिए, उनको रोज ना अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खा रहे हैं। दीपन्विता मैम टू पर आता है लेवल वन पर नहीं। ठीक है हेलो मैम। मैम इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं ना। जी 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 कौन बोल रहा था। हेलो मैम। हाँ जी मीनू मैम। हाँ जी मैम वो डाइकोमी मेडिटेशन है वो कितनी देर तक करनी है। 10 मिनट्स। नहीं 10 मिनट्स तो है तो डेज भी है उसमें। वो अभी आपको 21 डेज तक करना है मिनिमम। मिनिमम 21 डेज तक करना जब तक नेक्स्ट डे स्टार्ट होता तब तक कर लीजिए। हाँ हाँ वो करते रहिए वो करते रहना चाहिए। ठीक है वो डेली कर रही हूँ। हेलो मैम। जी 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 सुनीता मैम हेलो। मैं ये जो अभी हस्बैंड वाइफ की बात चल रही है मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपना। मेरे हस्बैंड भी आज के दिन रेकी आज से सीख रहे हैं। वो भी यही था उनको मन में कि रेकी कुछ ऐसा है जिससे कि हिप्नोटिस कर लेते हैं किसी को। कर लेते हैं तो ये पहले काफी मिले लेकिन जब से आपका वीडियो देखा आपसे कंसल्ट किए तब से पास हुआ कि नहीं रेकी ऐसा ट्रीटमेंट है जो खुद पे इम्प्लीमेंट करो तो बहुत फायदा होता है। जी 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 तो ये लगता है कि सही में समझा नहीं सकते जब तक खुद एक्सपीरियंस करो ना तभी वो समझ में आती है। जी जी डेफिनेटली मैम। मतलब कांटेक्ट में है ये मेरे हस्बैंड तो। जी 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 है सर तो मीटिंग में भी प्रेजेंट है बोल नहीं रहे हैं बस। ये समझाने से नहीं होता है ये खुद जब तक एक्सपीरियंस करो ना जी अच्छा होता है। मतलब आज मैं भी कर रही हूँ ये भी कर रहे हैं दोनों ही कर रहे हैं। जी तो ये चीज आपने सही बोली है। जी 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 एक्चुअली ये भी होता है कि जब तक ये सब चीजें ना थोड़ा भाग्य से भी होती हैं, जब तक आपके भाग्य में नहीं है कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो है ना तब तक ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। और इंसान कितना भी आपको समझाएगा आपको नहीं समझ आएगा जब तक वो आपके खुद के नसीब में नहीं है। ये भी बात सही एकदम सही। आज रेकी के समझ लीजिए 6-7 साल से हम लोग जानते हैं कि रेकी क्या होती है। जी ये लेकिन विश्वास है तो आगे बढ़े काम। जी 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 थैंक यू मैम थैंक यू। ओके मैम। एनीवन एनी एल्स क्वेश्चन कुछ जब डाइकोमिया की मेडिसिन मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे साथ में जो चोकरे
सहेकी और ओम शाह जोशी की भी करते रहना तो उसको? नहीं सर, अभी तो आप पहले अभी ना सर, अभी आप कुछ मत करिए, अभी आप सारे पहले एक एक करके वर्कशॉप के वीडियोस देखिए, ठीक है? ओके। फिर एंड में मैंने बताया कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक ठीक है, ठीक है। पहले आप मुझे सुन पा रही हो? हाँ जी संजुक्ता मैम बोलिए। तो क्या है, मैं जैसे आपको पूछने वाली बहुत सवाल है मेरे पास, लेकिन अभी एक ही पूछती हूँ। पापा के लिए मेरे जैसे काम, वो थर्ड फ्लोर में रहते हैं, हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते हैं, इधर है हमारे, लेकिन वो इधर है, तो उससे है ना एक फ्लोर का इधर उधर है, तो उसमें कैसे मुंशा जैसे नहीं देना पड़ेगा या ऐसे भी दे सकते हैं? नहीं, अगर आप क्योंकि हॉन्शाइजेशन जानते हो तो बेटर यही है कि आप एक बार डिस्टेंस हीलिंग सिंबल से अपने पापा से कनेक्ट कर लो और फिर उनको हीलिंग दो, है ना? और हर एक पॉइंट पे कितना माने मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, क्योंकि उतना पेशेंस नहीं है उनको, वो लिख लेते हैं, वो अगर सामने देंगे तो लिख लेंगे, नहीं तो डिस्टेंस वाला तो ठीक है, लेकिन कितना मिनिमम टाइम होना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप जिनकी हीलिंग कर रहे हैं उनको बीमारी क्या है, ठीक है? अगर आप उनको जनरल रिलैक्सेशन के लिए दे रहे हैं, लेट्स सपोज कि वो बहुत ज्यादा थक गए हैं, एनर्जी लेवल कम है, तो हर चक्र पे उनके दो 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 मिनट की हीलिंग दीजिए, ठीक है? और उसके बाद अगर आपको कोई पता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज हमें पता है कि उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उनको शुगर का प्रॉब्लम है, हर चक्र पे दो दो मिनट का हीलिंग के बजाय वन वन मिनट हीलिंग कर सकते हैं हर चक्र पे, ठीक है? ताकि एक जनरल उनकी हीलिंग हो जाए फुल बॉडी की भी, और प्लस भी डायबिटीज के लिए आप उनके नाभि चक्र और स्पेशली उनके यहाँ पे उनके थाई चक्र की हीलिंग करिए। क्यों? क्योंकि डायबिटीज या शुगर लेवल जनरली हमारे बॉडी में बढ़ जाती है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और पक्का जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं शुगर के, उनका यही होता है कि वो लाइफ में अपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो उनके इसीलिए हमेशा उनके थायराइड की हीलिंग करनी चाहिए। और जो हमारा शुगर है वो हमारे पैनक्रियाज से रिलेटेड है, इसलिए स्पेशली पैनक्रियाज या मणिपुर चक्र की हीलिंग करनी चाहिए। तो एक हाथ आप उनके थर्ड आई पे रख के और एक हाथ उनके मणिपुर पे रख के आप हीलिंग कर सकते हो, अगर फिजिकल हीलिंग कर रहे हो तो, वरना अगर डिस्टेंस हीलिंग भी कर रहे हो तो भी ऐसे ही कर सकते हो। और कितना मिनट का होना चाहिए? मिनिमम उन दो पॉइंट्स पर मिनिमम 10-15 मिनट्स का हीलिंग आप करो, बाकी जो हार्ड आई से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, जो सिम्बल्स जानते हैं वो सिम्बल से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन था मेरे पास कि मैंने एक्चुअली शायद संजुक्ता आप ही का था या पता नहीं किसी का था कि उन्होंने मेरा कोई मीटिंग देखा था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि हम सोते वक्त कैसे रेकी शक्ति का आवाहन करें। तो जैसे मैं हर मीटिंग के पहले मैं बताती थी कि आप रेकी शक्ति को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके दोनों हैंड्स फ्री हैं, आप जनरली सिर्फ बैठे हुए हो, जैसे कि आप कार से कहीं ट्रैवल कर रहे हो या बस से कर रहे हो या ट्रेन से कर रहे हो, तो आप बस रेकी शक्ति का आवाहन कर लो कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो 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 और मुझे स्वस्थ करो स्वस्थ करो स्वस्थ करो, ठीक है? इस तरीके से आवाहन करके आप अपने दोनों हाथों को अपने नाभि पर, अपने पेट पर रख के हीलिंग करो या अपने हार्ट पे रख के हीलिंग करो, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, जैसे अजय सर हमारे साथ हैं, वो स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं अजय सर, ठीक है? आपको अपनी साथ साथ हीलिंग भी करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ते भी जा रहे हैं, आपने रेकी शक्ति का आवाहन भी कर लिया और पढ़ते जा रहे हैं, और आपने अपने दोनों हाथों को अपने लैप पर रख लिया, ठीक है? लैप पर रख लिया या तो अपने पेट पे रख के अपनी हीलिंग करते हैं, ठीक है? अब जैसे सुहास सर हैं, आप शॉप पर बैठते हैं सुहास सर, है ना, तो आप जब ग्राहक नहीं है, आपको किसी को कुछ नहीं उठा के देना है, आप जनरली बैठे हुए हैं, रेकी शक्ति का आवाहन कर लिया, अपने दोनों हाथों को अपने पैर पर, लैप पर या अपने पेट पर रख के आप हीलिंग करें। सो इस तरीके से हर कोई अपने लाइफ में रेकी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना सकता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कर सकते हैं। अब लेडीज हैं, किचन में काम कर रही हैं, उनका एक हाथ फ्री है, एक हाथ से कुछ कुछ कर रही हैं, तो एक हाथ में आवाहन कर लिया और
हीलिंग करने लगे। आप कुकिंग भी कर रहे हैं तो कुकिंग से पहले भी आवाहन कर लीजिए ताकि आपके हाथों से जो रेकी शक्ति बह रही है वो आपके खानों में जाती जाए। जब आप खाना कुक कर रहे हैं तो उस खाने में भी वो पॉजिटिव एनर्जी निकलती रहे, है ना। उसी तरीके से जब हम सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप एक बार रेकी शक्ति का आवाहन करके अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर या अपने हार्ट पर रख के सो जाएं, तो उससे आपकी हीलिंग होती रहेगी। जब तक हीलिंग की जरूरत होगी, जब तक बॉडी में एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी इतनी ऑटोमेटिकली जाती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बहुत बिजी हैं पूरे दिन में, आपको नहीं फुर्सत मिल रहा कि आप स्पेशली बैठकर हीलिंग करें, बट ये चीजें तो आप कर ही सकते हैं ना। अगर आप स्पेशल टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेट सपोज कि कोई एक ऐसा दिन है जो बहुत बिजी जाता है, आपके पास स्पेशल नहीं टाइम है कि आप निकाल सकें थोड़ा एक घंटा या आधा घंटा, तो आप इस तरीके से अपने पूरे दिन में हीलिंग एटलीस्ट इस तरीके से तो करते ही रहिए, है ना। और अपनी बुक्स को भी हीलिंग करिए, अपने लैपटॉप को हीलिंग करिए, अपने कंप्यूटर को हीलिंग करिए। जो टीचर्स हैं वो अपने बुक्स में करें, अपने ब्लैकबोर्ड पर करें, अपने कंप्यूटर डिवाइस पर हीलिंग थोड़ी सी दे दे, पॉजिटिव एनर्जी। बेसिकली हीलिंग क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, ताकि आपका सारा काम पॉजिटिव होता रहे, आपका आउटकम पॉजिटिव आए, आपका इनपुट पॉजिटिव जाए, है ना। हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी रहे और आपका दिमाग भी पढ़ाई में लगे। थोड़ा सा हेड की हीलिंग करिए, इस तरीके से हीलिंग करिए ताकि आप थोड़ा और पॉजिटिव थिंकिंग हो, माइंड शार्प हो, फोकस बने काम पे, ठीक है। शिफाली, एक सेकेंड अर्चना मैम, संजुक्ता मैम, क्या क्या कह रहे हो आप? जैसे आपने कहा कि ये खुद के लिए हो सकता है, लेकिन अगर काम करते हुए सारा दिन बिजी हूँ, काम करते हुए किसी और को हीलिंग देना चाह रही हूँ जो सामने भी नहीं है, किसी और उनको हीलिंग देना भी जरूरी होता है, तब क्या ये अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? आप कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। उससे पहले आपने रेकी शक्ति का आवाहन कर लिया और आपने अपना हाथ इस तरीके से रख दिया, आपने रेकी शक्ति को रिक्वेस्ट कर लिया कि वो रेकी एनर्जीज मेरे लेफ्ट हैंड से जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो उन तक जाए। मतलब आपके आपको अपने पापा को हीलिंग देना है, ठीक है। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को साइड में रख दो और रिक्वेस्ट कर लो रेकी शक्ति से कि ये रेकी शक्ति मेरे लेफ्ट हैंड से जो भी एनर्जी निकल रही है वो मेरे पापा तक जाए, मैं उनकी हीलिंग करना चाहती हूँ, मैं उनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। इस तरीके से आप अपना हाथ रख के, या इस तरीके से हाथ रख के आप अपना एक हाथ से काम करते रहो और थोड़ी थोड़ी देर में जैसे आपको याद आता जाए आप बोलते जाओ, रेकी एनर्जीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग माई फादर, फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग माई फादर, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। तो आप अपना काम करते करते भी दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हो इस तरीके से। बस इंटेंशन की जरूरत है, जब हम इंटेंड कर लेते हैं तो हीलिंग वहीं फ्लो होती है, ठीक है। अर्चना मैम क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आप मान लो हीलिंग कर रहे हो, डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हो, आपने बोला था टेडी रखो आप आगे, हम टेडी रख लिया, ठीक है। इमेजिनेशन में तो वो बहुत बड़ा बंदा मतलब इमेजिन होता है, बट वो टेडी पे आप हाथ रखते हो तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे करना है? नहीं, इसीलिए तो मैम मैंने बोला था कि प्रॉप्स यूज मत करिए, इसीलिए हम अपना इमेजिनरी क्लिनिक यूज करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो मुझे यही कंफ्यूजन हो रहा था कि वैसे तो बंदा इतना बड़ा है, आप यहाँ हाथ रख रहे हो वो टेडी पे तो इधर आ जाएगा बिल्कुल, है ठीक है। आप इमेजिनरी क्लिनिक से करिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो सही है तरीका। मैम एक क्वेश्चन मेरा जी, सुनीता मैम, वो करुणा रेकी क्या होता है? मैम करुणा रेकी एक्चुअली विलियम लीरांड ने बनाया है। आप देखिए, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने हमें रेकी दिया, रेकी जिसको हम उसुई रेकी बोलते हैं, ठीक है। जापान में बहुत तरीके के रेकी हैं, बहुत सारे तरीके के हीलिंग मोडालिटीज हैं ऑलरेडी हैं जापान में। जब डॉक्टर मिकाओ उसुई ये रेकी लेकर आए थे, उसुई रेकी लेकर आए थे, तब ऑलरेडी वहां पे हीलिंग मोडालिटी थी जिसको रेकी के नाम से बोला जाता था, ठीक है। इसीलिए जब डॉक्टर मिकाओ उसुई अपनी रेकी लेकर आए तो उसका नाम हुआ उसुई रेकी, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसुई रेकी जब वो लेकर आए तो उन्होंने फिर लोगों को सिखाया। उसुई रेकी सिखाने में बहुत आसान थी तो उन्होंने और लोगों को सिखाया। डॉक्टर चिरिजो हयाशी आए, फिर उसके बाद मैडम टकाटा आई, फिर मैडम टकाटा के बाद डॉक्टर विलियम लीरांड जो अभी भी जिंदा है, यूएस में है, ठीक है।
डॉक्टर विलियम ली रैंड ने करुणा रेकी बनाया है और होली फायर रेकी जो आप आजकल आप सुनते होंगे बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है होली फायर रेकी, ये दो रेकी के मोडालिटीज डॉक्टर विलियम ली रैंड ने बनाए, ये डॉक्टर मिकाओ सुई ने नहीं बनाए, ठीक है। मिकाओ सुई ने तो हमें खाली उसुई रेकी दिया है, तो करुणा रेकी में डॉक्टर विलियम ली रैंड ने क्या किया है, उन्होंने कुछ तिब्बतन सिंबल्स लिए हैं और हमारे कुछ ये हिंदू और इंडियन ओरिजिन सिंबल्स लिए हैं, स्वास्तिक है, रामा है, ओम है, तो ये सब सिंबल्स उन्होंने मिला के करुणा रेकी बनाया है और उन्होंने उन सिंबल्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया है, इस तरीके से मींस उनकी उनको इस तरीके से बनाया है कि उनकी जो वाइब्रेशन है वो ऐसा बोलते हैं कि उसकी वाइब्रेशन हमारे उसुई सिंबल्स से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, वो हायर वाइब्रेशंस देती हैं वो वाले सिंबल्स करुणा रेकी के। तो जो करुणा रेकी है बेसिकली वो पूरी की पूरी सिंबल्स पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे सिंबल्स हैं करुणा रेकी में और जैसे कि नाम है उसका करुणा रेकी तो उसमें बेसिकली बहुत ज्यादा करुणा भाव से हीलिंग होती है, करुणा, करुणा मीन्स दया है ना, किसी के प्रति हम करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, तो उस तरीके से हम हीलिंग उस मोडालिटी में करते हैं। तो ये जो मोडालिटी है ये आप मास्टर्स लेवल पर सीखते हैं, तो ये जो करुणा रेकी है ये रेकी मास्टर सीखते हैं, ये हर कोई नहीं सीखता, स्टार्टिंग से ही नहीं सिखाई जाती है, जो लोग मास्टर्स कर रहे होते हैं, जिन लोगों ने लेवल 3A तक कर चुके होते हैं उनको ही ये आगे बताया जाता है, क्योंकि ये सिंबल्स जो हैं वो हमारे डाइकोम जो हमारा मास्टर सिंबल है उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए ठीक है। और क्वेश्चन है मेरा कि मेरा माइंड बहुत वेवरिंग माइंड है, कभी कुछ करता है कभी कुछ, मतलब एक जैसे फोकस रहना चाहिए ना कि मेरा एक फोकस है कि मुझे अब रेकी पे सब कुछ करना है, तो वो फोकस नहीं हो पाता जिसके कारण मैं अभी हीलिंग भी नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी इधर दिमाग जाता है कभी इधर जाता है, तो मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो कई बार सोचती हूँ मैं आपसे बात करूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं कर पा रही हूँ कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस रात में जरूर थोड़ा सा वो आपका हाइपर एसिडिटी को और वो टेंशन वाला जो आपने दिया वीडियो बनाया था वो दो जरूर कभी कभी करती हूँ। जी 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 जी, मैं दिन में मेरा बेटा बोलता भी करते रहे पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं, क्यों ऐसे क्यों, मतलब देखिए क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हमारे अंदर से ऐसा आता है कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर ऐसा होगा या लोग ऐसे होंगे जो लगता है, या रिजल्ट नहीं सपोज हमें इंस्टेंट मिल रहा है तो हमें लगता है कि अरे नहीं करना चाहिए, बट हर बार हमें अपने मन की नहीं सुननी है, हमारा मन ना बहुत चंचल है, अगर हम हर बार अपने मन को सरेंडर कर देंगे तो हम सिर्फ नीचे जाते जाएंगे, कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने मन को साइड रखना पड़ता है और करना होता है, इसीलिए एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन में क्या है कि आपका चाहे मन हो या ना हो आपको करना है, ये डिसिप्लिन होता है, इसी को तो डिसिप्लिन कहते हैं ना, कि आपको अगर इस टाइम पर आना है तो आना है चाहे जो हो जाए, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, उस समय हम मन की नहीं सुनते हैं, तो आप अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाइए कि मुझे इस टाइम पर हीलिंग करनी ही करनी है, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो, चाहे मैं बेमन से बैठूं चाहे मैं जैसे भी बैठूं, बट मैं उस टाइम पर इस जगह बैठ कर ही करूंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने आप से पहले बोलिए, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि लेट्स सपोज कि आप खाना बनाने के बाद 3 बजे फ्री होते हो तो मैं 3 बजे बैठूंगी ही बैठूंगी हीलिंग करने चाहे जो हो जाए, ठीक है, चाहे मन हो या ना हो, कभी कभी हमें अपने मन से लड़ना पड़ता है, अगर हम हर बार उसके मन की सुनने लगेंगे, हर बार सरेंडर करने लगेंगे, आज मुझे ये करने का मन नहीं कर रहा चलो छोड़ो चलो टीवी देखते हैं, तो ऐसे फिर हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। ओके थैंक यू मैम, वेलकम मैम। मैम अभी अभी मुझे क्या हो रहा है कि हीलिंग के टाइम पे बहुत ही नींद आ रही है। हाँ मैम, जी 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 मैम, मुझे मुझे सुन लिया मैम, मैंने सुन लिया मैम, होता है, मैं हम लोगों ने लेवल 3A पे अल्फा लेवल सीखा था ना, अल्फा लेवल के बारे में जाना था कि अल्फा लेवल में क्या होता है कि जब हम डीप मेडिटेटिव स्टेज में जाते हैं हमारा दिमाग शांत हो जाता है और डीप रिलैक्सेशन में जाता है और डीप रिलैक्सेशन, तो जब वो बॉडी डीप रिलैक्स्ड हो जाती है, माइंड डीप रिलैक्स्ड हो जाता है, तो बहुत नॉर्मल सी टेंडेंसी कि हमें नींद आने लगती है,
तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पर मैं वो पेशेंट की हीलिंग करती हूँ तो भी नींद आ जाती है। वो मुझे भी आती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट हीलिंग फ्लो हो रही होती है, आप टेंशन मत लो। ओके ओके मैम हाय। जी हेलो प्रज्ञा मैम। मैम ये पूछ रही थी कि जो हम गोल मैनिफेस्टेशन करते हैं उसमें एक बॉक्स वाला मेथड भी होता है क्या ना? हाँ हाँ, एक बॉक्स मेथड भी होता है। हाँ, ग्रिड वाला। ग्रिड वाला मुझे आप बता सकते हैं क्या वो कैसा होता है? मैं आपको बता दूंगी कैसे करते हैं वो। एक्चुअली वो एक बॉक्स बनाया जाता है, उसको विश बॉक्स बोलते हैं। और जैसे हमने वो नहीं किया है, हमने एक चिट बनाई है जिसमें हमने साइड साइड में सिंबल्स लिखे हैं, वो भी सेम है। उसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है उस बॉक्स में। आप जो वो बॉक्स काम करता है, आप सेम काम अपने उस विश चिट से भी कर सकते हो। मैंने चिट तो मैम बहुत महीने से हो गया मुझे बनाते हुए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इन सब चीजों में टाइम लगता है। अगर आप फास्टर रिजल्ट चाहते हो तो जो हमने क्राउन चक्र मेडिटेशन किया है ना, उससे करिए। देखिए विशेस कब पूरी होती हैं, आपकी इच्छा पूर्ति कब होती है, जब आपका एक कनेक्शन बन जाता है यूनिवर्सल पावर से। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना आसान नहीं है कि आपने बस बोला और चीजें होने लगेंगी। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोले और वो चीजें होने लगेंगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो हर इंसान दिन रात पैसों के बारे में सोचता रहता है, दिन रात सोचता रहता है। क्या उसके सोचने से वो अमीर बन जाता है? नहीं बनता है। यहाँ पे खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और खाली हमारी सोच नहीं काम करती है। देखिए यहाँ पे हम क्योंकि रेकी शक्ति की भी मदद लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपने एनर्जी लेवल को इतना बढ़ा लेते हैं और हम एक सुपीरियर पावर यानी कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक कनेक्शन बना लेते हैं, फिर हमारी इच्छा पूर्ति ऐसे होती है, आपने सोचा और वो हो जाएगा। तब उस लेवल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। थोड़ा समय लगेगा उस लेवल को अचीव करने में। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक भी आपके गोल्स मैनिफेस्ट होंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। आपको जो चिट वाला बताया है आप उसी से करिए। जो हमने गोल मैनिफेस्ट मेडिटेशन किए हैं उनको करके आप अपने गोल को विजुअलाइज करिए। ठीक है, अभी के लिए सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका वही है। और जो हमने लेवल 3A पे क्राउन चक्र मेडिटेशन किया है उससे इफेक्टिव गोल मैनिफेस्टेशन का तरीका कुछ भी नहीं है। वो बहुत इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, आप उसको 1 वीक लगातार करके देखो। क्राउन चक्र मेडिटेशन करने के बाद अपने गोल को विजुअलाइज करो। ठीक है, हो सकता है आपको इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले एक हफ्ता करने के बाद। इंस्टेंट हो सकता है ना मिले क्योंकि चीजें अपना टाइम लेती हैं। हर चीज का एक फिक्स टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमारी डेस्टिनी रोल प्ले करती है कि हम क्या अपनी डेस्टिनी लेकर आए हैं, है ना। तो एक वो भी एक फैक्टर है। तो हमारा जो पहले का जो कर्म है, जो हमने किया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हमें मिलता ही है ना। तो इसलिए आप जैसे हमने वो किया हुआ है अपना क्राउन चक्र मेडिटेशन, आप उस तरीके से करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और निराश मत होइए, बिल्कुल टाइम लेंगी चीजें बट होंगी। हेलो मैम, लास्ट टाइम मैंने चिट रखा था ना तो वो कहीं पे मिस हो गया। पूजा रूम में रखा था मैंने, फिर वो साफ सफाई में ना कहीं मिस हो गया, तो फिर दोबारा मैंने चिट बनाई नहीं उसके बाद। खाली चिट बना के रखनी नहीं है, उसको विजुअलाइज करना। हाँ हाँ, मैं डेली करती थी उसको, दोनों टाइम करती थी, लेकिन वो पूजा रूम में रखी हुई थी बुक्स के नीचे। फिर वो एक दिन क्लीनिंग के टाइम पे वो मम्मी पापा किसी से तो वो मिसप्लेस हो गया। कोई बात नहीं, 21 बना लीजिए। हाँ, 21 डेज से पहले ही हो गया तो उसका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू मैम। हेलो मैम। जी रेखा मैम। मैम ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जब से हमने रेकी स्टार्ट करी है और रेगुलर प्रैक्टिस करी है तो जब तो शायद गोल्ड मैनिफेस्टेशन स्टार्ट भी नहीं किया था तो बहुत सारी लाइफ में चीजें पॉजिटिव होने लगी थी। हेल्थ वाइज भी वैसे भी मतलब रिलेशनशिप इश्यूज वगैरह थे, काफी चीजें सॉल्व होने लगी थी। जी 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 और अभी ऐसे ही है।
तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब हम रेकी करते हैं जी, उससे हर चीज के लिए हमें तो मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ये, आपसे कांटेक्ट होना और रेकी में आना जी जी। और अब वैसे भी आप इतने अच्छे से कराते हैं, एक एक स्टूडेंट का इतना ध्यान रखते हैं तो कभी कभी छोड़ भी दे कोई प्रैक्टिस तो भी लगता है कि नहीं मैम ने कहा हुआ है तो कर लें जी, वो एक हैबिट हो जाती है धीरे धीरे हम जब करते हैं जी जी, बस हैबिट ही बन जाए आप लोगों की बहुत अच्छी बात है, आपकी हैबिट बन जाए कि रेकी को एक 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 इम्पोर्टेंट पार्ट बना ले, जैसे कि हम कभी ब्रश करना नहीं भूलते उस तरीके से रेकी करना ना भूलें, वही वो एक लेवल अचीव हो जाए बस जी। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हेलो मैम। जी जी मेघना मैम। हाँ मैम, मैंने कल भी आपसे पूछा था ना कि वो हम जब हीलिंग लेते हैं तो हमको पैर हमको जमीन पे टच करके रखने हैं, और किसी को अगर हम हीलिंग देते हैं तो उस वक्त भी हम जमीन पे टच करके रखना है या जूते वगैरह पहन के रखना है, किस तरह से? नहीं आप, हाँ आप जब किसी और को हीलिंग दे रहे हो तो आप जमीन से हटा लो पैर, देखिए जब आप खुद भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो अब जमीन पर पैर रखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पैर रखिए, पालथी मारकर बैठिए पद्मासन में। ओके ठीक है, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, नॉर्मल पद्मासन में बैठिए, नीचे आसन डालकर उसके ऊपर बैठिए। ठीक है, क्लींजिंग का अगर कर रहे हैं तो हाँ तब आप पैर पर डालकर बैठिए, जब आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं और आप ऐसे भाव कर रहे हैं कि ऊपर से सारी एनर्जी निकल के आपके पैरों के थ्रू निकल रही है, जमीन में समा रही है, जब इस तरीके की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने पैरों को अपने जमीन से टच करा के बैठिए, और चप्पल नहीं पहननी है उस टाइम। ओके हाँ, वेलकम मैम। Anyone, any question? Or we are done with the session? Madam, ये जो ओम मेडिटेशन आप मेडिटेशन अभी दिखाई, तो ये इसमें कोई वो सिंबल्स तो नहीं लगाने ना और कोई भी, क्योंकि मैं 5-10 मिनट लेट पहुंचा, मैं पाकिस्तानी टाइम भूल गया था। ओके सर। अच्छा, तो मैं देर से पहुंचा, तो ये जो आप ओम मेडिटेशन बताई तो इसमें कोई सिंबल लगाने थे क्या पहले? नहीं सर, आप ये जो हमने ओम मेडिटेशन किया ये आप ओम से भी कर सकते हैं, आप चौकुरे से भी कर सकते हैं, आप अपने डाइकोम्यू से भी कर सकते हैं, डाइकोम्यू से करेंगे अच्छा रहेगा, और चौकुरे अच्छा से भी अच्छा रहेगा, सहकी से भी अच्छा रहेगा, आप अपने किसी भी सिंबल से कर सकते हैं, आप स्वस्तिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। शिफाली, वो जैसे डायग्राम से तो फिर हम पर्पल कलर इमेजिन करेंगे या हर चक्र पे साइन फिर दोनों मिक्स करेंगे? वो आप पर्पल कर सकते हैं, पर्पल से, जैसे पर्पल में भी हम पर्पल इमेजिन कर लिया वो सिंबल, बट जैसे मूलाधार पे नहीं, वो पर्पल मतलब... ही रखिए उसको, पर्पल ही रखिए, वरना फिर आप वो कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे ओम से पावरफुल रहता है, ओम से मैंने भी काफी बार किया है इसको, इसीलिए मैंने ओम से करवाया था, ओम से अच्छा रहता है ये। हमारे सर ने सर मैडम एक बात बताई थी कि अगर ओम से करेंगे तो वो आपकी पर्सनल एनर्जी जाया होगी, अगर आप रेकी के सिंबल से ओम को करेंगे तो फिर रेकी सिंबल से आपकी एनर्जी अपनी नहीं जाएगी, ये क्या बात है, कोई इसी में कोई कि अगर ओम से करेंगे तो अपनी पर्सनल एनर्जी उसमें वीक होती है? नहीं, मतलब ये तो मुझे सर समझ नहीं आया, क्योंकि ओम भी एक, ओम तो यूनिवर्सल सिंबल है सर, ओम तो हम उच्चारण भी करते हैं, ओम तो विजुलाइज भी करते हैं, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आया। हाँ, मुझे प्रोफेसर ने ऐसे कहा था कि अगर आप रेकी सिंबल से करेंगे तो एनर्जी आपकी खत्म नहीं होगी, अगर ओम या याला से या उनसे करेंगे तो आपकी
अपनी एनर्जी इसमें जाया होगी, ये देख लेना डिस्कस। मैं एक हीलिंग का बोल रहे होंगे कि हीलिंग जिसकी भी डिस्टेंस हीलिंग करनी है हाँ। वो रेकी सिंबल से करनी है, ओम से नहीं करनी। अच्छा, नहीं सर यहाँ पे तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना, हम तो हीलिंग हाँ, का कर रहे हैं। हाँ, नहीं बस मेडिटेशन हाँ। में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं सर मेडिटेशन। अच्छा उसमें पड़ता है अगर डिस्टेंस किसी को ओम से करे तो? नहीं सर, मैं तो बहुत बार ओम यूज करती हूँ। ठीक ठीक है। मैंने तो मतलब ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया पर्सनली। मैं तो ऑलमोस्ट हर बार ओम यूज करती हूँ, हर बार किसी की भी हीलिंग करती हूँ। मैं मुझे एक शेयर करनी है, अभी फोन आया था वो पेशेंट का। जी जी हेलो मैम। जी रश्मि मैम। हाँ अभी जो आपने वो कैंसर वाला पेशेंट मुझे बोला था ना। जी हाँ, तो अभी वो मैडम का फोन आया था, उनके पापा अभी आज सुबह अपने आप ही उठे और नहा धो के वो आज अब फ्रेश है एक ही दिन में। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। हाँ अभी उनका ही फोन था तो मैं लाइव हो गई। जी जी जी। अर्चना मैम बधाई दे दीजिए। हाँ, नहीं आप उनको रश्मि मैम करो, आप उनको, मैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, उनको ठीक कर दो आप। वो अभी उनका ही फोन आया था, मैंने बोला अभी सेशन चल रहा है, मैं बाहर सेल ही कर लेती हूँ। वो पेरेंट्स इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पेरेंट्स से सब बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, फादर से लड़कियां ज्यादा होती है मेरे ख्याल से। कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू थैंक यू। तो मैंने बोला मैं अभी शेयर कर ही लेती हूँ अपना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आप बहुत अच्छे से हीलिंग करते हो, सबसे बड़ी बात आपकी क्या है ना कि आप बहुत दिल से करते हो। ओ नहीं, मैं वो पेशेंट है, वो मैं वैसे भी जुड़ जाती हूँ। जी 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 जी, वो ही है मैम पेशेंट के साथ, वो ही है करुणा रेखी। हाँ 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 मैम, वही वही। ओके जी, हेलो जी जी अनीता मैम। मैम ने करुणा रेखी से किया क्या हीलिंग? नहीं नहीं, मैं ऐसे बोल रही थी कि वो पेशेंट से बहुत जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। करुणा करुणा को आपने एक्सप्लेन किया ना। हाँ ये जरूरी होता है कि अपनी पूरी भावना उसमें डाल दी जाए तो वो रेखी बहुत इफेक्टिवली काम करती है। जी जी जी। भी दो बच्चों को बिठा के रेकी कर रही थी, तीनों बहुत स्ट्रेस फील कर रहे थे लॉकडाउन में घर में रहते रहते। तो मेरी बड़ी बच्ची बोली कि मेरे पूरे फेस पे रेकी बहुत ज्यादा आ रही थी और जबकि मैं डिस्टेंस में कर रही थी जैसा आपने बताया था, तो वो फिर बोली कि अब मेरा मूड ठीक हो गया, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है रेकी। जी, कभी जी, कभी हम लोग बहुत डेंस फील करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लो फील करते हैं, तो उस समय ना साइकिक ये वर्ल्डिंग वाला प्रोसेस करते हैं या फिर ऑरा क्लींजिंग कर लेते हैं, ये वॉलेट फायर इन्वोक करके, तो काफी अच्छा मतलब वाइब्रेशंस हो जाता है। जी, जी, मम्मी जी, मेरी मम्मी को एक हफ्ता हो गया, दो महीना शायद, दो तीन हफ्ते हो गए थे रेकी उसने बंद कर दी थी सेल्फ रेकी, तो मैंने बोला और ये वॉलेट फायर इन्वोक करके आप अपनी ऑरा क्लींजिंग करो नहाने के पहले और नहा धोआ के आके अपने ऑरा की प्रोटेक्शन कर लो। तो उन्होंने किया, वो बोली कि पूरा ही मेरा तो बॉडी इतना वाइब्रेट करने लगा, इतनी रेकी आने लगी कि मैं तो हैरान थी। बहुत एनर्जेटिक हो गई। ऑरा क्लीनिंग बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, दो बहुत छोटी सी दिखती है, बहुत आसान सी दिखती है बट बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि जब भी आपको लग रहा है कि आपकी मतलब आप बहुत नेगेटिव या स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं या आपके बॉडी में कहीं ऐसा पेन है जो नहीं जा रहा है, कितनी भी हीलिंग करने के बाद वो नहीं ठीक हो रहा है, तो आप उस एरिया की लोकलाइज्ड ऑरा क्लीनिंग कर रही है पहले अच्छे से और उसके बाद आप फिर वहां पे हीलिंग देंगे तो वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।